बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की लाडली बड़ी बेटी आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। दरअसल आर्यन खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 24 इयर्स की हो चुकी हैं आर्यन खान और बीते अक्टूबर के महीने से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। ड्रग्स मामले में आर्यन खान तकरीबन 23 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे हैं। जी हां, 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में अपनी हिरासत में लिया था। वहीं शाहरुख खान की तमाम कोशिशों के बाद 28 अक्टूबर के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी। 30 अक्टूबर के दिन आर्यन खान जेल से रिहा किए गए। आर्यन खान के घर लौट आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान के घर मन्नत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। वहीं शाहरुख के फैंस ने आर्यन खान का बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया। शाहरुख खान इस पूरे मामले को लेकर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। हर तरीके से अपने बेटे का ध्यान रख रहे हैं, जिससे कि आर्यन खान को मेंटली और इमोशनली केस के ट्रॉमा से बाहर निकाल सकें। वेल, एक बार फिर से शाहरुख ने अपने बेटे के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है और ये फैसला किसी कुर्बानी से कम नहीं है। वेल, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बॉडीगार्ड तलाश रहे हैं, लेकिन अब शाहरुख खान ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। दरअसल अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर वह निश्चिंत रहना चाहते हैं और हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए भरोसेमंद बॉडीगार्ड चाहते हैं, जिस पर वह ट्रस्ट कर सकें। वहीं शाहरुख खान की बॉडीगार्ड रवि सिंह को कई बार आर्यन खान के साथ देखा गया है। जब आर्थर रोड जेल से आर्यन रिहा किए गए थे, उस दौरान रवि सिंह आर्यन को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए, तो वहीं एनसीबी दफ्तर जब जब आर्यन खान पहुंचते हैं, उस दौरान भी रवि सिंह उनके साथ नजर आते हैं। शाहरुख खान रवि सिंह को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। रिपोर्ट्स की माने कहा जा रहा है कि आर्यन ऐसे नहीं है जो किसी नए शख्स के साथ जल्दी से सहज हो पाए। वह रवि के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब शाहरुख ने फैसला लिया है कि वह रवि सिंह को अपने बेटे आर्यन खान की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। जी हां, रवि सिंह अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बॉडीगार्ड बनकर उनके साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अब शाहरुख खान की बॉडीगार्ड रवि सिंह उनके साथ विदेश दौरे पर भी नहीं जाएंगे। जी हां, शाहरुख खान अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के चलते, अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग के चलते जल्द ही विदेश के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन अब वह चाहते हैं कि रवि सिंह मुंबई में रहकर आर्यन के साथ रहें, जिससे कि वह घर से जब भी दूर जाएं तो बिना चिंता के वह शूट कर सकें। शाहरुख खान अपने लिए अब नए बॉडीगार्ड को हायर करेंगे। इस तरह से शाहरुख ने अपने बेटे के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया है। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो जल्द ही शाहरुख अपनी फिल्म पठान के सेट पर वापस लौटेंगे, तो वहीं डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म की शूटिंग भी वह जल्द ही शुरू करने वाले हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।